यार मुझे ये नहीं समझ आता मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। कोई मुझे बोलता है कि भाई ब्रेजिट है, कोई कहता है कि त्रिपल मखीनी है, तो मेरी हकीकत पर्सनैलिटी है क्या, ये कैसे पता चलेगा। हाँ जी सो गाइस, ये हाल चाल आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट योर ओन पर्सनैलिटी, यानी कि अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी, एक खुद का व्यक्तित्व, मतलब एक खुद का एक ऐसी चीज डेवलप करना जो कि लगे कि ये मैं हूं। यू विल लाइक पर्सनैलिटी इज लाइक अ थिंग विच यू फील लाइक दैट यस आई एम दैट इन दैट कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसी चीज जिसमें आप ये बोल सको कि हाँ ये मेरी कैटेगरी है, मैं इस तरह हूं या इस तरह दिखता हूं, इस तरह हूं, असक्त। अब देखो बहुत तरह की पर्सनैलिटीज होती है हमारे अंदर, शक्ल की, फेशियल पर्सनैलिटी, बॉडी की पर्सनैलिटी एंड ऑल राउंड पर्सनैलिटी एज वेल। लेकिन ये सारी की सारी पर्सनैलिटीज में डिवाइडेड है। अब देखो सबसे पहली पर्सनैलिटी जो किसी भी इंसान को उसका अट्रैक्शन देती है वो है फेशियल पर्सनैलिटी। शक्ल कैसी, अब देखो शक्ल में क्या होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है और कोई नॉर्मल, मतलब ज्यादातर स्किन नॉर्मल में आती है या फिर सांवले में आ जाएगी या गोरा काला तो चलता ही, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग से हम अपनी लाइफ में वेरियस रीजंस के कारण डिसीजन ले लेते हैं फेशियल पर्सनैलिटी को लेकर। सिर्फ सिर्फ लाइफ में नहीं, बिजनेस में भी फेशियल पर्सनैलिटी बहुत बहुत मैटर करती है कि आपका चेहरा कैसा दिखता है। लेकिन आपका चेहरा कैसा दिखता है वो तब मैटर करता है जब आप और कैटेगरीज में सही ना हो तब। मतलब फेशियल कैटेगरी तो सभी को पता है, चेहरा देख लो भाई, जो नेचुरल चेहरा है वो तो कोई बदल ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे जो होती है बिहेवियरल कैटेगरी, बिहेवियरल पर्सनैलिटी, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा बात करने का तरीका, चलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मतलब हम किस ढंग से बात करते हैं, किस ढंग से चीजों को समझते हैं, किस ढंग से उनपे रिएक्शन देते हैं और किस ढंग से सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, उसका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं या बस उसको तो ओके भाई तो टाटा गुड बाय करके चले जाते हैं, ये भी मैटर, ठीक है। अब इसके बाद आ गई बॉडी लैंग्वेज वाली, तो हमें बात पता ही है कि हमारा चलने का तरीका कैसा है। अब ये सब चीजें मैंने एक बारी में कवर अप कर दी, लेकिन ये एक भी अभी भी क्वेश्चन को रखती है कि ये सब चीजें हमें पता होने के बावजूद हम अपनी पर्सनैलिटी बनाए कैसी और हमें कैसी पर्सनैलिटी अपनी बना के रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए, बुरी रखनी चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी हमें रखनी चाहिए। अगर सबसे पहला हमने क्वेश्चन समझ लिया पर्सनैलिटी कैसी है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हमें जो है कैसे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा किस टाइप की पर्सनैलिटी हमारे लिए बेस्ट है। अब हमें कैसी पर्सनैलिटी अपनी बनानी है, देखो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ जो आप हकीकत में, ऐसी पर्सनैलिटी मत बनाओ जो आप हकीकत में हो ही नहीं, जो आप रियलिटी में हो ही नहीं। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब आप एक वर्चुअल पर्सनैलिटी में जिएंगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है लेकिन आपको लगता है कि वो पर्सनैलिटी रियल है, तो उससे यही होगा कि बाद में शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए क्योंकि आप उस वर्चुअल पर्सनैलिटी में जी रहे थे लेकिन हकीकत में तो वैसे हो ही। आपको क्या लगेगा कि यार मुझे लोग नहीं समझ रहे, हकीकत में लोग आपको इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपने लोगों के सामने अपनी वर्चुअल पर्सनैलिटी को शो किया है, ना कि ओरिजिनल रियल पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी ओरिजिनल रियल पर्सनैलिटी को शो करेंगे देन डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट यस दिस इज आई एम हाउ आई एम, बस प्रॉब्लम सॉल्व, यही इसका आंसर है। कि अगर आपको पर्सनैलिटी बनानी है तो पर्सनैलिटी बनाने के लिए रियलिटी में आ जाओ,
जैसे आप रियल हो वैसे रहो, क्यों भाई हर किसी के लिए वर्चुअल होना, हर किसी के लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट, नहीं भाई। अगर आप ऐसे डिफरेंट रहोगे सबके लिए तो आपकी मल्टी पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाएगी। हर किसी इंसान के लिए अलग पर्सनैलिटी, इसके लिए अलग पर्सनैलिटी, उसके लिए अलग पर्सनैलिटी, नहीं करना ऐसा। अगर आप ऐसा करोगे तो एट लास्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप हकीकत में हो क्या। अब सपोज आपके साथ 10 लोग हैं, 10 पीपल्स आपके साथ रहते हैं या आपकी जानकारी में, आपने 10 लोगों के साथ 10 पर्सनैलिटीज बना रखी, तो वो लोग आपको क्या आंसर देंगे? 10 पर्सनैलिटीज के हिसाब से आंसर देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरी 10 टाइप की पर्सनैलिटीज है तो हो ही नहीं सकता, तो यहां से कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप एक तरह की सबके साथ सिमिलर सिंगल पर्सनैलिटी रखोगे, जैसे आप हकीकत में हो वैसे ही रखोगे, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तब आपके सारे आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको उसी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना पीओवी देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, और आपको समझ आएगा अरे ये तो मैं हूं। सही बात है, इस सबने मेरी पर्सनैलिटी को एक ही जैसे एक ही तरह से जज किया, अलग अलग ढंग से जज नहीं किया, एक तरह से जज किया, तो बस आपकी वहां पे पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। कि जब आपको पता है कि सबने मुझे एक ही तरह से जज कर, एक ही तरह से मुझे बता रहे हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, या तू ऐसी है, तू वैसी है, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर तो मतलब यही हमारी पर्सनैलिटी है। अब आता है क्वेश्चन कि हमें किस टाइप की पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, तो उसका आंसर यही था, हमें बनानी चाहिए अपनी रियल पर्सनैलिटी जो हम हकीकत में है। आइदर इट इज क्रिएटिव, आइदर इट इज एक्सेप्टेबल, आइदर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट डजंट मैटर, बट द रियल पर्सनैलिटी ऑलवेज मैटर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर इन रियल। इफ यू आर लिविंग इन द रियल पर्सनैलिटी वर्ल्ड, यू विल नेवर बी एबल टू बी गेट नेगेटिव। इफ यू विल बी एबल टू लिव इन द वर्चुअल पर्सनैलिटी वर्ल्ड, यू विल वन डे विल बिकम negative and the negative thoughts will shut you out from the live ground. But if you are in the living in the real personality, then that negative thoughts you will hit like century, and what will happen? You will live the life to the fullest and live in the way you desire, not in the way you need. मतलब कि आप ऐसे ढंग से जियोगे जैसे आप चाहते हो मैं जीना, मैं ऐसे चाहता हूं जीना, ना कि वैसे चाहता हूं जीना, समझे? जरूरत के हिसाब से जीने को तो सभी जीते हैं, 95% या 96% लोग वैसे जीते हैं जैसे उनकी जरूरत है, जैसे उनकी नीड है। 5% लोग होंगे सिर्फ वो वैसे जीना चाहेंगे जैसे वो जीना चाहते हैं। दिस इज द रियल रीजन। अगर आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो जैसे आप चाहते, ना कि लाइफ कहे आपको कि तू इसी हिसाब से जी, नहीं मुझे ऐसे जीना है, अगर आपको ऐसे जीना है देन डेफिनेटली यू नीड टू लिव इन योर रियल पर्सनैलिटी, तभी जाके आपको अपनी लाइफ में क्लैरिफिकेशन होगी। क्योंकि यार हम लोग क्या है ना, हम लोग सिर्फ इसी चीज में सोचते रह जाते हैं कि यार हमारी पर्सनैलिटी कैसी, कि हम अपनी पर्सनैलिटी में ही बस कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं अच्छा ठीक है ऐसी पर्सनैलिटी होगी, ऐसी पर्सनैलिटी को कंफ्यूजन में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम सबके साथ एक जैसी पर्सनैलिटी में जी रहे हैं तब क्या बुराई है? तब क्या बुराई है भाई, जब हमें पता है कि हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही सबके साथ हैं, तो इट्स काइंड ऑफ एन सिमिलर पर्सनैलिटी विद एवरीवन। जब हम सबके साथ एक जैसी पर्सनैलिटी में जिएंगे ना, देन इट विल बी नॉट अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। हमें दिमाग क्लियर होगा, हमें पता है हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। जब हमें ये चीज पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, तो फिर वो क्या बुराई है, फिर हम वो काम करेंगे। लेकिन ये कब हमें पता लगेगा? जब हमारे पास खुद की रियल पर्सनैलिटी होगी, तब हमें अपनी लाइफ में क्लैरिफिकेशन लेने का मौका मिलेगा। नहीं तो होगा क्या, हम सिर्फ पर्सनैलिटी को ही ढूंढते रह जाएंगे, अपनी खुद की हकीकत को ही ढूंढते रह जाएंगे। हम हकीकत में है क्या? हम लोगों की बातों पर यकीन करेंगे और जो कह रहे हैं वो बोलेंगे हाँ भाई ये सही है, हाँ भाई वो सही है, लेकिन हमें यही नहीं पता हम हकीकत में कौन है। भाई कौन है हम हकीकत में, ये तो हमें पता ही नहीं। जब तक आपको ये चीज नहीं पता होगी तब तक आप दूसरों की बातें सुनते रहोगे, आपको लगता रहेगा अच्छा वो सही कह रहे हैं, अगर वो आपसे बड़ा है
और वो आपकी वो पर्सनैलिटी को जानता ही नहीं है, वो आपको दूसरी पर्सनैलिटी से देख रहा है, उसने सबका देखने का नजरिया अलग है। तो इसीलिए आप किसी से भी अपने बाप पर्सनैलिटी के बारे में पूछो कि यार मेरी पर्सनैलिटी क्या है, तू बता या तू बता या तू बता, तो मतलब तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये ही मेरी पर्सनैलिटी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, ना कोई समझ सकता कि आप हकीकत में कौन हो, क्या हो, क्यों हो और कैसे हो। इन सब सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करोगे, खुद से पूछोगे नहीं, हु एम आई इन द रियलिटी, जब आपको यही नहीं पता कि आप रियलिटी में कौन हो, तो आप कैसे लाइफ को जियोगे, ये बताओ गाइस। आप ये सवाल पूछोगे कि हमारी रियल पर्सनैलिटी हम कैसे लेके आए, तो भाई रियल पर्सनैलिटी वैसे आएगी जैसे आप हम तक में जी रहे हैं, वैसे जी जैसे भी हैं आप, डजंट मैटर अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हो आप, वैसे ही जियो। अगर आप उसी ढंग से लाइफ को जियोगे, देन यू विल बिकम अ रियल पर्सनैलिटी। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यही तो मेरी रियल पर्सनैलिटी है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि यस दिस इज मी द रियल, दिस इज द रियल मी, हु एम आई, यही मेरी हकीकत है, मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। मैं क्यों बदलू भाई किसी के लिए, क्यों बदलू किसके बात के कहने पे, क्योंकि यही मेरी रियल पर्सनैलिटी है। हाँ इतना जरूर है कि अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट जरूर करो। इंप्रूवमेंट इसलिए करो ताकि आप सोसाइटी या लोगों के बीच में एडजस्ट हो सको, बस सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए अपनी पर्सनैलिटी को अपडेट करो, चेंज मत करो, अपडेट करो। अपडेट करने में और चेंज करने में बहुत 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 बहुत, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई पसंद है या हमारे साथ कोई अटैचमेंट है किसी, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर, आप अपनी पर्सनैलिटी तो चेंज कर दोगे, बट आप क्या लाइफ में सेटिस्फाई हो पाओगे, क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो पाओगे किसी के लिए अपनी पर्सनैलिटी को ही बदल दो, नहीं ना, नहीं ना। तो क्यों बदली भाई किसी के लिए पर्सनैलिटी, सिर्फ अपडेट करो ना, सिर्फ थोड़ा सा, इतना सा 0.1% थोड़ा सा समझ के चलो कि बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा अपडेट कर दो पर्सनैलिटी को, ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने इन फ्यूचर और कंफ्यूजन ना लेके आए आपकी लाइफ में। अगर वो चीज आपकी लाइफ में कंफ्यूजन लेके आएगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा अपडेट कर लिया अपनी पर्सनैलिटी को, तो वो आपको क्लेरिफिकेशन दे देगी लाइफ में, एंड देन आपके पास नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी के लिए अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा अपडेट किया, तब तो आपको नेगेटिविटी थोड़ी सी महसूस होगी, थोड़ा सा तो अपडेट किया एंड उसके बाद इंप्रूवमेंट कर ही रही हो, तो इंप्रूवमेंट से आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती रहती है और इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी ही पर्सनैलिटी किसी के लिए बदल दोगे, तो भाई कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरी की पूरी पर्सनैलिटी किसी के लिए बदल दी, तो एट लास्ट आपको एंड में आके आंसर क्या मिलेगा, क्या लगेगा अपनी लाइफ से कि यार मैं तो क्या हूं, मैंने एक इंसान के लिए अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बदल दी एंड मुझे एंड में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे अपनी पर्सनैलिटी बदल के, तो मैंने क्यों बदली अपनी किसी पर्सनैलिटी, मैं जैसा हूं अगर मैं वैसा ही रहने लेता तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता। अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता, थोड़ा सा अपडेट कर लेता अपनी पर्सनैलिटी को, तो मैं भी शायद एक अलग ऑरा मिलता मुझे, मेरी वैसी लाइफ होती जैसे मैं जीना चाहता, ना कि वैसी नहीं जैसे मुझे जरूरतें जीवा रही, कि जैसे जरूरतें मुझे कह रही है कि ऐसे जी ना, आप वैसे जीते जैसे आप चाहते हो, अपनी चाहत के हिसाब से जियो ना, नहीं तो अनसेटिस्फाइड लाइफ तो भाई सभी को है, सभी अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड है कि यार मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है ये कोई नहीं पूछता, अपने आप से कोई सवाल नहीं करता, सबको ये लगता है हाँ भाई मैं ऐसा जी रहा हूं, जरूरत के हिसाब से जी रहा हूं, सही यही सही, कोई भी ये नहीं पूछता
क्यों जी रहा हूं, क्यों मैं जरूरतों के हिसाब से जी रहा हूं? क्या कोई ये सवाल नहीं पूछता गाइस अपने आप से कि मुझे इन जरूरतों से क्या बाहर नहीं आना चाहिए? इन जरूरतों से मैं क्यों इनके बेड़ियां बंद की, इनकी गुलामी कर रहा हूं? जरूरतों मैं जरूरतों को खत्म कर देता हूं, जरूरतों के चैप्टर क्लोज कर देता हूं, रिस्क उठा लेता हूं, लाइफ को बदल देता हूं भाई, पूरी की पूरी लाइफ का चैप्टर ही घुमा दूं, तो जरूरतें ही खत्म। जब जरूरतें ही खत्म, मुझे जीना ही मेरे हिसाब से थाउ रिस्क, एक बार रिस्क लगेगा उसके बाद जीरो जैसे जीना। एंड यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि 96 में क्या कह रहा मैं, 98% से लेकर 99% लोग जरूरतों के हिसाब से जीना पसंद करते, उन्हें लगता है कि वो जरूरतें अपनी बदल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हर इंसान अपनी जरूरतों को बदल सकता है टाइम के साथ, बस उसके पास मोटिवेशन, डेडिकेशन और पैशन चाहिए। जब किसी इंसान के पास मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, पैशन है, मतलब कि मोटिवेशन है अच्छी सोच, डेडिकेशन है काम करने की उत्सुकता, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और तीसरी है क्यूरियोसिटी कि कैसे करा जाए। क्योंकि सिर्फ अच्छी सोच रखने से नहीं इनफ है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं इनफ है, आपके पास क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, मैं करूंगा क्या, कैसे करूंगा, कब करूंगा, वो तो सभी को क्लैरिफिकेशन मिल जाती है, लेकिन कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। सब प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन फिर बोलते हैं यार प्लानिंग तो कर ली हमने, बट हुआ हकीकत में कुछ भी नहीं वैसा, हुआ तो हकीकत में कुछ भी नहीं वैसा। तो फिर प्लानिंग करने का फायदा क्या? अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझने में चूक गए तो आप लाइफ में भी चूक जाओ, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ गए तो आप ना लाइफ में चूकोगे, प्लस आपको क्लेरिफिकेशन भी रहेगी, प्लस आपको अपने आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, प्लस आपको जो ये कंफ्यूजन है कि प्लानिंग करने का क्या नुकसान है उसका भी जवाब अपने आप मिल जाएगा कि मुझे प्लानिंग का फायदा है कि नुकसान। As simple as that, that you have to do just meditate. If you meditate, you will make your mind calm and relaxed. If your mind is calm and relaxed, you will able to think that what the solution I need to find to clarify my life. कि मुझे अपनी लाइफ को क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जो उसका जवाब मुझे। तो अगर आप अपनी रियल पर्सनैलिटी में रहेंगे, मेडिटेट करके शांति से अपना काम करते रहेंगे, जो भी आपको पसंद है वो करेंगे, रिस्क जरूर होगा, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं अपने काम के लिए, एक ना एक दिन आपके आपको खुद अपनी पर्सनैलिटी भी पता चल जाएगी, एक ना एक दिन आके आपको खुद अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूं सही है कि गलत, और ये भी समझ आ जाएगा कि मेरा डिसीजन लाइफ के कैसे होनी चाहिए। देखो गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता लाइफ में, लाइफ की गारंटी किसी के पास नहीं है, लाइफ की सोचने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को समझ गए तो हमारे लाइफ का जीने का तरीका भी बदल जाएगा, प्लस हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये है हमारी हकीकत। जब आपको अपनी हकीकत पता है तो आपका पाथ, लाइफ का जो पाथ है वो क्लियर हो जाएगा, आपको पता है कि यही मेरी पर्सनैलिटी है, मैं ऐसा हूं, तो अपनी लाइफ के पाथ में आगे बढ़ते जाओगे और सक्सेस जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं पता, आप इधर जा रहे हो इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, इधर दाएं बाएं अलग अलग जगह से जाके पर्सनैलिटी से पूछो, सब अलग अलग देंगे, ऑब्वियस बात है सब अलग अलग पर्सनैलिटी देंगे, आप कंफ्यूज होगे, वही खड़े वही हो, आगे नहीं बढ़ रहे लाइफ में, बस वही खड़े हो, मेरी पर्सनैलिटी क्या है मुझे बता दो कोई, 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल बूढ़े हो गए, आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं पता कौन, मैं हकीकत में हूं कौन ये बताइए, तो आप क्या करोगे, बस ये खड़े रहोगे, आप आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आप हकीकत में कौन, और आपको लगता रहा कि मैं इससे पूछ लू उससे पूछ लू ये मेरी हकीकत है, नहीं, जब आपको खुद से पूछोगे तो आपको मिल जाएगा एक सेकंड आंसर, ये आपकी हकीकत, एक्सेप्ट कर ली कर लो, नहीं एक्सेप्ट कर ली कि मर्जी, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो रिस्क लेके लाइफ में आगे बढ़ोगे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे नहीं ये मेरी हकीकत पर्सनैलिटी नहीं, जो दूसरा कह रहा है वो मेरी हकीकत पर्सनैलिटी है, आप यहीं खड़े रहोगे सारी जिंदगी, आगे बढ़ोगे, खड़े रहोगे सोचते रहोगे ओवरथिंक करते रहोगे अपनी लाइफ में कि हाँ ये सही है वो गलत है, हाँ ये सही वो गलत है, ओवरथिंक टाइम पास हो जाएगा,
ना डिसीजन ले सकोगे, ना कुछ कर सकोगे, चैप्टर भी खत्म, लाइफ भी खत्म। अरे एनी वे मिलेगा क्या यार, मेरी तो लाइफ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सका लाइफ में, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। इन्हें बोलते हैं एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मतलब बहाने ढूंढना। जब हमें पता है कि हमारी गलती, हम अपनी गलती तो देख सकते रहेंगे, हम बहाने ढूंढेंगे। यही तो कारण है नहीं, मैं ही इंसान बुरा हूं भाई। कोई इंसान इस दुनिया में ना बुरा होता ना अच्छा होता, सिर्फ एक इंसान के सोचने का तरीका अलग अलग, सोचने का तरीका उसे अच्छा और बुरा बना, और कुछ नहीं है इस लाइफ में। अगर आपके सोचने का तरीका सही है आपको सही इंसान मिलेगा, अगर आपके सोचने का तरीका गलत है आपको गलत इंसान मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपको सोचने का तरीका सही है कि गलत? ऑब्जर्वेशन से, लोगों को परखने से। अब लोगों को कैसे परखोगे आप? माइंड को जब आप काम रखोगे, शांत रखोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आप शांति दिमाग से लोगों की बातों को सुन सकोगे, लोगों की बातों को सुनने का समझोगे, सुनो उनकी बातें कि वो क्या बोल रहे हैं। जब आप लोगों की बातें सुनने लगोगे, समझने लगोगे, तब आप डिसीजन लोगे, तब आपको समझ आएगा यार वो इंसान ऐसे है। उसके सामने मत बोलो, अपने आप अपने दिमाग में सोचो, इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, लोगों को समझने का तरीका आपको मिलेगा। जब आपको लोगों को समझने का तरीका मिल जाएगा, तब आपको अपनी पर्सनैलिटी में समझ आएगा कि यस। अब जॉब में कहते हैं ना कि लॉजिकल थिंकिंग लेके आओ, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेके आओ, या सिचुएशन हैंडलिंग स्किल्स लेके आओ, ये सब क्या है? ये सारे स्किल्स अगर आपको हकीकत में पर्सनैलिटी भी पता है, ये सारे स्किल्स आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ले आओगे, सिचुएशन हैंडलिंग स्किल्स भी ले आओगे, और लॉजिकल थिंकिंग भी ले आओगे, एंड पॉजिटिविटी राइट। बट ये सब होगा कैसे? शांति, साइलेंस। साइलेंस इज द ओनली सोल्यूशन टू अचीव द पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी ऑफ योरसेल्फ। अगर आप साइलेंट रहोगे तो अपनी हकीकत पर्सनैलिटी लेके आओगे, अगर आप इमोशंस में बहोगे तो आपको अपनी हकीकत पर्सनैलिटी समझ ही नहीं आएगी, आप कंफ्यूजन में ही रह जाओगे और ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने साइलेंस को, साइलेंस में रह के अपनी नेगेटिविटी पर्सनैलिटी को साइड रखे, टॉक्सिसिटी बनने को साइड रखे, अपनी हकीकत में जियोगे, तो भाई आपको सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग यू विल गेट, बट यू व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट नीड टू बी काम। शांत होने की जरूरत है, सबर करने की जरूरत है। जितना शांत रहोगे, जितना सबर करोगे, सब चीजें मिलेंगी, और जितना उत्साहित होगे, एक्साइटेड होगे, उतना नुकसान। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप अपनी एक्साइटमेंट को अपने काम में लगाओ, मतलब आप जो लाइफ में करना चाहते हो उस पर अपनी एक्साइटमेंट को लगा दोगे, कि अपने काम करने के तरीके में एक्साइटेड ढूंढोगे, तो भाई आप ग्रो करोगे, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना है किसी भी काम पे। अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है, वो कैसे लाओगे? वो तभी आएगी जब आप अपने काम को लेके या तो सीरियस हो या क्यूरियस हो। सीरियस और क्यूरियस दोनों एक साथ जुड़ गए तो आप अपने काम में ग्रो करो, और जब आप ग्रो करोगे ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने अंदर कि यस आई कैन डू समथिंग इन लाइफ। एंड ये कब पता होता है? जब हमें खुद की अपनी रियल पर्सनैलिटी में जी रहे। अगर आप अपनी रियल पर्सनैलिटी में जियोगे, then you will be clarified in your life, and if you are clarified in your life, you will take decision wisely to choose well. Samjhe? Take decisions wisely, move slowly to choose well. Iska bahut deep meaning hai ki decision to soch samajh ke lo, kaam dheere dheeme speed se karo, डिसीजन सोच समझ के लो, अपने जिंदगी को धीमा कर दो, और ताकि आप अपनी लाइफ में चूज अच्छी तरह से कर सको और अच्छी जिंदगी जी सको। इसको इतना भी कह सकते हैं, टेक डिसीजन वाइजली टू मूव स्लोली, टेक डिसीजन वाइजली एंड मूव स्लोली टू चूज वेल एंड लिव। एज सिंपल एज दैट, कि अगर आपको अपने हिसाब की लाइफ चाहिए तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपनी स्पीड काम करने की धीमी रखनी है। जिंदगी में धीमापन जितना रखोगे, नेगेटिविटी को आपके आसपास नहीं है।
तीसरी चीज आपको जो चूज करना है खुद समझ के चूज करना है, और ताकि आप लास्ट ऑप्शन की अपने हिसाब की जिंदगी जी सको। यही जिंदगी जीने का सही मकसद, सही तरीका, सही वे है। अगर आपको कैसी भी लाइफ जीनी है तो सबसे पहले डिसीजन को बहुत सोच समझ के लो। एक डिसीजन आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, एक डिसीजन आपकी लाइफ भी बदल सकता है। सारा खेल आपके हाथ में, इसीलिए बोल रहा हूं टेक डिसीजन वाइजली, मूव स्लोली टू चूज वेल एंड लीव वेल। मैंने दोबारा रिपीट इसलिए कर लिया, अगर आप इस लाइन की डीप मीनिंग को समझ गए तो आपको लाइफ की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, एंड उसके बाद आप अपनी पर्सनैलिटी को भी समझ जाओगे, डिसीजन लेने को भी समझ जाओगे, एंड सारी सारी एबिलिटीज आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक आखिरी बात, दुनिया के ब्रह्मांड के जो रचयिता है देवों के देव महादेव जी को हम कहते हैं, वो आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े योगी कहा जाता है, कि वो हर टाइम मेडिटेट करते हैं। क्यों? उनके पास तो सब कुछ है ना, क्यों महादेव सब कुछ होने के बावजूद भी मेडिटेशन करते हैं? उनके पास इतनी ताकत है, वो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी वो मेडिटेट क्यों करते हैं? क्यों हम सब लोगों को मोटिवेट करते हैं कि मेडिटेशन करो? इसलिए मोटिवेट करते हैं वो हमको कि मेडिटेशन करो, ताकि आपके पास सब कुछ होने के बाद घमंड और अहंकार ना आए। महादेव के पास सब कुछ है, महादेव के अगर आसपास घमंड और अहंकार आ गया आप क्या बोलोगे? नहीं यार, वो तो देवों के देव महादेव हैं, उनमें तो घमंड और अहंकार आ ही नहीं सकता। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अगर आपके पास दुनिया की सारी ताकत है, सारी ताकत मतलब आप भी समझ लो ऐसी ताकत आपके पास, आप कुछ भी कर सकते, क्या घमंड नहीं आएगा? एग्जाम्पल दूं, महादेव का जो रुद्र अवतार है जो हुआ था जलंधर नाम से, वो महादेव से ही बना, उन्हीं के जैसा है, उन्हीं की जितनी ताकत है, फिर भी जलंधर को अपने ऊपर घमंड क्यों था, क्यों अहंकार था? क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करता था, उसे सिर्फ इस बात का घमंड था, लोगों ने उसे मोटिवेट किया कि तेरे पास सारी ताकत है, सारी ताकत है तेरे पास, तो उसको घमंड और अहंकार भी करते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट अगर जलंधर ने अपने टाइम में मेडिटेशन करी होती या महादेव को समझ के मेडिटेट करके अपनी ताकत को समझा होता, तो उसे घमंड नहीं होता, उसे अहंकार नहीं होता, उसे समझ आता कि ये है मेरी हकीकत, उसे अपनी हकीकत पता ही नहीं थी। तो जब किसी इंसान को अपनी हकीकत नहीं पता होगी, एंड में आके क्या करेगा? चाहे उसके पास कितनी ही ताकत हो, चाहे वो रुद्र अवतार क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा एक दिन आके। एज सिंपल एज दैट, अगर आपके पास ताकत है, सब कुछ है, और आपको अपनी हकीकत ही नहीं पता, आपको अपनी पर्सनैलिटी ही नहीं पता, आप एक ना एक टाइम पे आके डिस्ट्रॉय हो जाओ, खत्म हो जाओ, और आप एंड में आके अपने ऊपर एक्सक्यूज डालोगे, मेरी ही गलती थी। क्यों करनी भाई गलती, जब आपको पता है कि मैं गलती करने वाला हूं, मेडिटेट करके अपने आपको शांत कर लो ना, इतना इजी सॉल्यूशन है भाई। आज के टाइम में सतयुग त्रयोदश द्वापर में कितनी चीजें होती, कलयुग में तो कुछ करना भी नहीं, सिर्फ मेडिटेशन कर दो, 5 मिनट मेडिटेशन, सारा दिन तो किसी ने भी नहीं कहा, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, आपको अपनी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी, आपको अपनी लाइफ पता चल जाएगी, आपको अपनी लाइफ की गोल पता चल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं सही है कि गलत। और ये सब करने के लिए लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं, जबकि ये काम सिर्फ 5 मिनट रोज करने से भी मिल जाएगा हमें। कितनी कमाल की बात है कि जिस चीज की हम इतनी ओवर टेंशन लेते हैं वो सिर्फ 5 मिनट का खेल है रोज का, और रोज के 5 मिनट लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगा लो भाई 5 मिनट, करो मेडिटेट, करो अपने दिमाग को शांत, समझाओ अपने आपको कि नहीं ये मेरी हकीकत नहीं है, मुझे वो दिखाओ जो मैं हूं, मिल गई आपको अपनी हकीकत, मिल गई आपको अपनी हकीकत पर्सनैलिटी, जियो जैसे जीना। आंसर तो भाई आपके सामने है, करो भाई मेडिटेट, समझ लो अपने आपको, जियो जैसे जीना, एज सिंपल एज दैट, करो जैसे जीना है, एंड अपनी नीड्स को साइड रखो, सिचुएशन को कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए रिस्क उठा लो। अगर आप रिस्क लेने से डरते हो तो भाई डरते रहो, जो इंसान डरेगा ना वो सारी जिंदगी डरता ही रहेगा, और जो इंसान एक समय पे आके ये बोल देगा ठीक है मेरी सिचुएशन अभी ऐसी है पर मैं डरना नहीं चाहता, मैं कोशिश करना चाहता, और कोशिश करते रहो
धीमी स्पीड पे, अगर आप धीमी स्पीड पे कोशिश करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सिचुएशन ही आपको बोल देगी, ले भाई ले ले तुझे जो मिला कर ले, जो तुझे कर हम नहीं रोकेंगे। यही महादेव का सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा आंसर है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आपके सामने मौत क्यों ना खड़ी हो, आप मरने ही क्यों ना वाले हो, अगर आप उस समय भी अपने दिमाग को शांत रख सकते हो कि नहीं भाई मेरे सामने मौत खड़ी है, मुझे पता है मैं अगले पल मर जाऊंगा, लेकिन आप शांत हो उस समय भी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये उनकी सीख है, असली सीख यही है कि आपकी किसी भी सिचुएशन हो, इवन अगले ही पल मौत क्यों ना होने वाली हो, एक सेकंड में आपको पता है अगले सेकंड आप मरने वाले हो, लेकिन आप उस समय भी अगर अपने ऊपर शांत रख पाए कि नहीं मैं सही हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, चमत्कार, उसी को मिरेकल बोलते हैं। एंड यही चीज सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में होती थी कि लोग अपने ऊपर इस कदर विश्वास करते थे, इतना विश्वास करते थे कि चाहे मौत भी उनके सामने आ जाती थी ना, वो उसको भी बोलते थे कि नहीं तू मेरी हकीकत नहीं है, मेरी हकीकत मुझे पता है मैं कौन हूं। बस इसी कारण से ऐसे कहानियां बनी हैं, प्रचलित कहानियां हैं कि ऐसे कई महादेव के भक्त हैं जिनके सामने मौत आकर खड़ी होगी, लेकिन मौत भी उनका कुछ बिगाड़ ना सकी, उन्हें छू भी ना सकी, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था उस समय भी कि नहीं मैं सही हूं, जो तुम आए हो वो हकीकत है ही नहीं। जब ये लेवल का आप अपने ऊपर यकीन करोगे, ये लेवल की मोटिवेशन डेडिकेशन पैशन लिया होगा अपने अंदर, भाई आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्या पर्सनैलिटी बन जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा, आप क्या बन जाओगे खुद नहीं अंदाजा होगा। समझो, समझो अपनी रियलिटी में जियो, अपनी पर्सनैलिटी हकीकत में जियो, जितना हकीकत में जियोगे लाइफ सिंपल हो जाएगी, जितना वर्चुअल वर्ल्ड में जियोगे लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया की लाइफ जो है ना, ये हकीकत लाइफ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी हकीकत लाइफ को सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, उनको पता है कि अगर उन्होंने अपनी हकीकत लाइफ सोशल मीडिया पे दिखा दी कोई सपोर्ट नहीं करेगा उन्हें, लेकिन अगर वो अपनी हकीकत लाइफ में दिखा के वर्चुअल लाइफ दिखाएंगे उन्हें सब सपोर्ट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आपका बोलने का तरीका बेकार है, आप वैसा रखो लेकिन थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ा सा इंप्रूव करो ताकि आप समय के साथ बदल सको, समय के साथ बदलना सीख जाओगे तो लाइफ भी सिंपल हो जाएगी, पर्सनैलिटी भी आपको समझ आ जाएगी, एंड वर्ल्ड भी आपके लिए आपके हिसाब से हो जाएगा, एंड आप वैसे ही जी पाओगे जैसे आप जीना चाहते हैं, ना कि आप वैसे जियोगे जैसे आप हकीकत में नीड के कारण जी रहे हो। ऐसे So that's it for today for this podcast. We'll see you next podcast. Tab tak ke liye, stay fit and stay healthy. Bye bye.